मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 1 आज हम सीखेंगे। पेज नंबर 7 पर हमारे फर्स्ट चैप्टर का टाइटल है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? वी विल लर्न अबाउट हाउ अ कंप्यूटर वर्क विच इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर ऑपरेशंस, इट्स मेमोरी यूनिट्स एंड मेमोरी इन कंप्यूटर। हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है और उसको कंप्यूटर ऑपरेशंस भी कहते हैं। मेमोरी यूनिट्स और मेमोरी कंप्यूटर में कैसे काम करती है ये सब हम आज देखेंगे। कंप्यूटर ऑपरेशन। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू इट। हम कंप्यूटर्स को जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर वही काम करता है। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। दिस इंस्ट्रक्शंस आर फर्दर प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ये आगे कंप्यूटर में प्रोसेस होती है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू गिव द आउटपुट। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ये प्रोसेस होने के बाद हमें क्या देती है? आउटपुट देती है। कंप्यूटर सिस्टम डज द फॉलोइंग ऑपरेशन। कंप्यूटर क्या कहता है? ये जो प्रोसेस है ये करता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं इनपुट की मदद से, उसके बाद वो क्या करता है? प्रोसेस करता है और वो हमें आउटपुट देता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम एमएस वर्ड में एक इनपुट देते हैं। जैसे कि हम एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं। ये जो पैराग्राफ और पोएम हम इसमें लिखते हैं उसके बाद उसे हम सेव कर लेते हैं कंप्यूटर में, और ये जहां पर भी स्टोर होता है, सेव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी डिवाइसेस। ये एक आईपीओ साइकिल है जिसमें हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद प्रोसेस होती है और आउटपुट मिलता है। ये जो प्रोसेस होती है उसे हम स्टोरेज कहते हैं। पेज नंबर 8 मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स आर द टाइप ऑफ स्टोरेज यूनिट इन विच द कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन। मेमोरी यूनिट्स क्या है? जो हम स्टोरेज सेव करते हैं उसे क्या कहते हैं? मेमोरी यूनिट्स। लाइक वी रिमेम्बर पीपल बाय देयर नेम्स एंड बुक्स बाय देयर लेबल्स, सिमिलरली कंप्यूटर रिमेम्बर डेटा इन फॉर्म ऑफ मेमोरी यूनिट्स। जैसे हम किसी को जानते हैं बाय नेम और बुक के नाम से जानते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स में क्या होता है? जो डेटा होता है और उसकी जो मेमोरी यूनिट्स होती है उससे उसी से हम जानते हैं। मेमोरी यूनिट्स के टाइप्स हैं। पहला है बाइनरी डिजिट, उसको बीट भी कहते हैं। बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। बाइनरी डिजिट जो है वो कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट है। हमारे जैसे इमेजेस होते हैं, अगर हम उसकी डिटेल्स देखें तो उसमें कोई भी इमेज या पिक्चर हो तो 3-4 एमबी या केबी का होता है, वैसे ही ये सबसे छोटा बीट है। कंप्यूटर स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट 0 और 1। बाइनरी डिजिट दो तरह के से होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर स्टोर डेटा, कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एस बीट, उसे बीट भी कहा जाता है। 1 बीट इज इक्वल टू 1 बाइनरी डिजिट। 1 बीट इज इक्वल टू 1 बाइनरी डिजिट।
जीरो इज इक्वल टू वन, जो जीरो होता है वो वन बीट कहलाता है और वन बीट होता है वो भी वन बीट कहलाता है। दूसरा टाइप है बाइट। बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट डेटा आइटम और कैरेक्टर। बाइट जो है वो सबसे छोटा यूनिट है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आइटम्स और कैरेक्टर। द फॉलोइंग आर द वेरियस यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। ये कंप्यूटर मेमोरी का मेजरमेंट है, कौन कौन से हैं, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। ये सारे यूनिट्स हैं और उसका हमें मेजरमेंट यहाँ पर लिखना है। 8 बिट कितने होते हैं, 1 बाइट। 1024 बाइट्स यानी कि कितने होते हैं, 1 किलो बाइट। किलो बाइट को केबी कहते हैं। 1024 किलो बाइट्स यानी कि 1 मेगा बाइट। 1024 मेगाबाइट यानी कितने होते हैं, 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट्स यानी कितने होते हैं, 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट्स यानी कितने होते हैं, 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट्स कितने होते हैं, 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट्स यानी कितने होते हैं, 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट यानी कितने होते हैं, 1 योटाबाइट। 1024 योटाबाइट यानी कितने होते हैं, 1 ब्रोंटोबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट यानी कितने होते हैं, 1 जियोबाइट। ये जो यूनिट्स और उसके मेजरमेंट्स हैं ये हमें याद कर लेने हैं। ये जो लास्ट वाला है ये सबसे हाईएस्ट मेमोरी है। पेज नंबर 9 पर देख लेते हैं, मेमोरीज इन कंप्यूटर। इस पिक्चर में क्या दिया गया है, माँ कह रही है यू शुड ईट 5 or 6 आलमंड्स एवरी डे फॉर शार्प मेमोरी। इसकी मॉम ये कह रही है कि हर रोज हमें 5 से 6 आलमंड्स यानी कि बादाम खाने चाहिए जिससे हमारी जो मेमोरी होती है वो शार्प होती है। अगर हम कहीं पर जाते हैं तो क्या हमें सामने से जो भी इंसान मिलता है क्या हमें उसका फेस या उसके जो कपड़े पहने हुए हैं ये सब हमें याद होता है, नहीं होता है। इसीलिए कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ये सारी जो चीजें हैं उसे याद भी रखता है और स्टोर भी रखता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, कंप्यूटर इज अ मशीन विच कैन स्टोर एंड रिमेम्बर द इंफॉर्मेशन और डेटा इजीली। कंप्यूटर क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है उसे स्टोर भी करता है और उसे याद भी रखता है। इट कीप्स द डेटा स्टोर्ड फॉरएवर। कंप्यूटर क्या करता है, जो डेटा होता है वो हमेशा के लिए स्टोर रखता है। इट गेट्स डिलीट ओनली व्हेन यू डिलीट इट फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। वो जो डेटा होता है तभी डिलीट होता है जब हम उसे डिलीट करते हैं। लेट्स अस स्टडी मोर अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस इन दिस चैप्टर। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मेमोरीज और जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। द कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। कंप्यूटर मेमोरी है वो कैसे काम करती है, तो हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को वो सारे इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करता है और उसे स्टोर करता है। इट स्टोर्स फाइल्स, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, म्यूजिक एंड आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर क्या करता है, हमने जो फाइल्स बनाई हैं या कोई फोल्डर बनाए हैं या डॉक्यूमेंट्स बनाई हैं, इमेजेस डाले हैं, म्यूजिक डाले हैं,
ये सारा जो डेटा होता है वो उसे स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स की कंप्यूटर मेमोरी होती है। पहली है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले प्राइमरी मेमोरी देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज एन इनबिल्ट मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो इनबिल्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप्स है, पहला है रीड ओनली मेमोरी और दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पेज नंबर 10 पर देखते हैं, पहला टाइप है रीड ओनली मेमोरी। इट इज नॉन वोलेटाइल और नॉन इरेजेबल मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि रीड ओनली जो मेमोरी है उसे हम डिलीट नहीं कर सकते। ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम, ये रोम है। इट मीन्स द डेटा स्टोर ऑन रोम इज परमानेंट। हम जो रोम में डेटा स्टोर करते हैं वो परमानेंट हो जाता है। द डेटा वंस रिकॉर्डेड ऑन रोम डज नॉट गेट डिलीट इवन इफ द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ और द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज इंटरप्टेड। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक बार रोम में हमारा डेटा स्टोर कर देते हैं तो उसके बाद अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है या उसकी लाइट्स जो है वो चली जाती है, फिर भी वो जो डेटा होता है वो स्टोर रहता है। देयर आर थ्री बेसिक टाइप ऑफ रोम। रोम के भी तीन टाइप्स है। पहला है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी पी रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि ईपी रोम। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि डबल ईपी रोम। दूसरा टाइप देख लेते हैं रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी ये क्या है, रैम। रैम इज वोलेटाइल और इरेजेबल मेमोरी। रैम क्या है, वो रोम से अलग है, इसमें हम डेटा जो होता है उसे डिलीट कर सकते हैं। इट मीन्स द डेटा स्टोर ऑन रैम इज टेम्पररी एंड इट गेट्स डिलीटेड when the computer is turned off or if the electricity supply is interrupted। इसका मतलब क्या है, अगर हम रैम में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो टेम्पररी है, यानी कि कभी भी कंप्यूटर्स की लाइट्स ऑफ हो जाए या हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो वो जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। रैम के भी दो टाइप्स है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि DRAM और स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि SRAM। ये फ्लोर चार्ट जैसा बनाया हुआ है। कंप्यूटर्स की मेमोरी कितने टाइप्स की है, दो टाइप्स की। पहला वाला कौन सा है, रोम, दूसरा वाला रैम। रोम के भी तीन टाइप्स है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। रैम के दो टाइप्स हैं, डी रैम और एस रैम। पेज नंबर 11 पर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम। तो रोम में क्या होता है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर हमें रोम का फुल फॉर्म लिखना है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है, रोम इज नॉन वोलेटाइल और नॉन इरेजेबल मेमोरी। रैम क्या है, रैम इज वोलेटाइल और इरेजेबल मेमोरी। रोम क्या करता है, डेटा ऑन रोम इज नॉट लॉस्ट इवन इफ द इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई इज इंटरप्टेड। रोम क्या करता है, जो डेटा होता है अगर कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी पावर बंद हो जाती है फिर भी वो डेटा जो होता है वो स्टोर ही रहता है। और रैम में क्या होता है,
वो जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। रोम इज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा, रोम में परमानेंट डेटा स्टोर रहता है, और रैम में क्या होता है वो स्टोरेज टेम्पररी होता है। रोम इज थ्री टाइप्स, रोम के कितने टाइप्स थे, तीन, पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम, और रैम के दो टाइप्स होते हैं, डी रैम एंड एस रैम। कंप्यूटर मेमोरी का दूसरा टाइप देख रहे होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज द एक्सटर्नल मेमोरी, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फोन है उसमें मेमोरीज तो होती है, लेकिन अगर हम इसमें एसडी कार्ड लगाते हैं तो वो हमारी क्या हुई, एक्सटर्नल मेमोरी। अ कंप्यूटर हैज लिमिटेड इंटरनल मेमोरी, कंप्यूटर में थोड़ी सी इंटरनल मेमोरी जो होती है वो लिमिटेड होती है। इट कैन नॉट सेव ऑल द वर्क दैट वी डू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंप्यूटर क्या करता है जो हम काफी देर तक काम करते हैं वो सब कुछ सेव नहीं कर सकता। वी नीड टू सेव अवर वर्क इन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। वो जो डेटा होता है हमें अगर स्टोर करना हो तो हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं, और इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। सम ऑफ द कॉमन स्टोरेज डिवाइस आर एक्सप्लेन बिलो, ये सेकेंडरी मेमोरीज के डिवाइसेस हैं। पहला क्या है, फ्लैश ड्राइव्स। फ्लैश ड्राइव्स को क्या कहते हैं, पेन ड्राइव्स, जैसे हमारे पास होती हैं, ये फ्लैश ड्राइव्स है। अ फ्लैश ड्राइव आल्सो नोन एज यूएसबी ड्राइव, यूएसबी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी स्टिक, थंब ड्राइव, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। फ्लैश ड्राइव्स को यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं, थंब ड्राइव भी कहते हैं और पेन ड्राइव भी कहते हैं। ये क्या है, एक डेटा स्टोरेज डिवाइस। यूएसबी ड्राइव्स कम इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी सच एज 4GB, 8GB, 16GB एंड सो ऑन। जीबी यानी क्या है, गीगा बाइट। पेन ड्राइव्स 4GB की होती है, 8GB की भी होती है और 16 और कई ज्यादा भी होती है। दूसरी है सीडी, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क अलाउ अप टू 700 MB ऑफ डेटा स्टोरेज, ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें 700 MB की ही स्टोरेज होती है। मोस्ट ऑफ द सीडीज अलाउ वन टाइम रिकॉर्डिंग, ज्यादातर क्या होता है कि सीडी में हम एक बार ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। द सीडीज आर कॉल्ड CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, उसको कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल भी बोल सकते हैं। द CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल अलाउज टू डिलीट एंड रीराइट द डेटा ऑन इट। CDRW जो है उसमें हम डेटा डाल सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, हम रीड भी कर सकते हैं, उसमें हम डेटा चेंज भी कर सकते हैं। DVD, DVD का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, अलाउस अप टू 5GB ऑफ डेटा स्टोरेज, ये DVD है। DVD में क्या होता है, ये 5GB का स्टोरेज होता है। मोस्ट ऑफ द DVDs अलाउ वन टाइम रिकॉर्डिंग, इसमें भी DVD में क्या होता है, वन टाइम रिकॉर्डिंग होती है जैसे CD में होती थी। दिस DVDs आर कॉल्ड DVD-R, द रीराइटेबल DVDs यानी कि DVD-RW allows to delete and rewrite the data on them. DVDs में भी हम डेटा जो होते हैं उसे डिलीट भी कर सकते हैं
और फिर से भी लिख सकते हैं। स्टोरेज टेप, पेज नंबर 12 पर। स्टोरेज टेप और मैग्नेटिक टेप इज अ सिस्टम फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक टेप यूजिंग डिजिटल रिकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एक तरह की डिजिटल रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग की मदद से हम डेटास को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है ब्लू रे। ब्लू रे और ब्लू रे डिस्क यानी BD इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क। इट अलाउज अप टू 25 to 50 GB ऑफ डेटा स्टोरेज। ये ब्लू रे डिस्क है, इसमें 25 से लेकर 50 GB तक का डेटा स्टोर होता है। ऑनलाइन स्टोरेज साइट यानी कि क्लाउड। वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो ऑफर ऑनलाइन स्टोरेज सिंकिंग एंड फाइल शेयरिंग। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें ऑनलाइन स्टोरेज का फायदा देते हैं। हम उसमें जो हमारी फाइल्स होती है उसे हम अपलोड करके शेयर भी कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज। उसे क्या कहते हैं? क्लाउड स्टोरेज। ये एक क्लाउड स्टोरेज है, ये हमारा कंप्यूटर है। हम क्या करते हैं, इसमें से हमारी जो भी इंफॉर्मेशंस या फोटोज या वीडियोस जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम इसमें सेव कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो फाइल्स और वीडियो या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो अगर कभी भी डिलीट भी हो जाते हैं तो हम यहाँ पर से उसे फिर से वापस ले सकते हैं। लास्ट वाला है हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अ हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर एंड रिस्टोर डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर यूजेस। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। इसका यूज क्या है? इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मैग्नेटिक जो स्टोरेज होता है वो भी स्टोर कर सकते हैं और उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। दो तरह की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट्स हैं, रोम और रैम। सेकेंडरी मेमोरीज के पार्ट्स हैं फ्लैश ड्राइव, CD, DVD, स्टोरेज टेप, ऑनलाइन स्टोरेज साइट, हार्ड डिस्क और BD। BD यानी ब्लू रे डिस्क। एक्सरसाइज देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द कंप्यूटर सिस्टम वर्क। पहला ऑप्शन है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, बी एयर एंड सॉल्ट, सी फूड एंड वाटर और डी ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? तो कंप्यूटर्स में हम डेटा और जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो हम उसे देते हैं। तो ऑप्शन ए डेटा एंड इंफॉर्मेशन। द टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर आर। दो तरह की कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। और सारे ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए CD एंड DVD, ऑप्शन बी रोम एंड रैम, ऑप्शन सी फ्लैश ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी स्टोरेज टेप एंड डिस्क। तो कौन सी प्राइमरी मेमोरीज है? रोम एंड रैम। द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट अ डेटा आइटम और कैरेक्टर इज। सबसे छोटा वाला यूनिट कौन सा है जिसमें हम डेटा आइटम्स और कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं? तो वो है बाइनरी डिजिट। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी लिखेंगे। The highest memory unit of the computer is, highest वाला कौन सा था? GB। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी लिखेंगे। फिफ्थ वाला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ऑनलाइन स्टोरेज। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें हम ऑनलाइन स्टोरेज कर सकते हैं? तो अभी हमने देखा था कौन सा वाला,
क्लाउड, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। पहला वाला देखते हैं, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। दूसरा देखते हैं, रोम इज अ परमिनेंट एंड नॉन इरेजेबल टाइप ऑफ मेमोरी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। कंप्यूटर स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। यूएसबी ड्राइव डू नॉट हैव वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ब्लू रे और ब्लू रे डिस्क इज डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। फिल द ब्लैंक्स, ये सारे आंसर्स दिए हैं और हमें यहाँ पर फिल करने हैं। द कंप्यूटर मेमोरी इज यूज टू स्टोर ऑल द ब्लैंक गिवन बाय द यूजर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये इंस्ट्रक्शंस। डेटा स्टोर और ब्लैंक कैन बी डिलीटेड एज रिक्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रैम। 1024 ब्लैंक इज इक्वल टू 1 गीगा बाइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेगा बाइट। 1024 MB यानी कि 1 GB। ब्लैंक इज अ CD फॉर्मेट दैट अलाउज रिपीटेड रिकॉर्डिंग ऑन अ डिस्क। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, CDR। ए ब्लैंक और फिक्स्ड डिस्क इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर एंड रिस्टोर डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर यूजेस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव। मैच द कॉलम, ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, हमें यहाँ से मैच करना है। रोम, तो रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैच करेंगे। दूसरा है रैम, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो हम यहाँ पर मैच करेंगे। तीसरा है पीबी, पीबी यानी पेटा बाइट। चौथा है वाईबी, वाईबी यानी योटा बाइट। लास्ट वाला है बीडी, बीडी यानी ब्लू रे डिस्क। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला वाला है, स्टेट द टू टाइप्स ऑफ इनबिल्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। दो तरह की इनबिल्ट मेमोरी है, उसके टाइप्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो दो टाइप्स कौन से हैं, रोम एंड रैम, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोम एंड रैम। तो ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये आप लोगों की नोट में लिखना है। तीसरा है, कंप्लीट द फॉलोइंग। 1024 बाइट्स यानी कितने होते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 KB यानी 1 KB। दूसरा है, 1024 MB यानी कितने होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 GB। 1024 TB यानी कितने होते हैं, 1 PB, 1 PB यानी 1 PB। राइट इन शॉर्ट अबाउट फ्लैश ड्राइव। तो आपको क्या करना है, ये फ्लैश ड्राइव की इंफॉर्मेशन है, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। दूसरा है, व्हाट इज ऑनलाइन स्टोरेज। तो ऑनलाइन स्टोरेज के बारे में आपको बुक में से लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन CD एंड BD।
तो ये सीडी की इंफॉर्मेशन है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करनी है किसके साथ, ब्लू रे के साथ। आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।